ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद 1 लाख का इनामी गिरफ्तार। आरोपी के पास से पिस्तौल कार बरामद। बदमाश मनोज आसिकी पर कई राज्यों में 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। अमरोहा में चेकिंग के दौरान पुलिस की गो तस्करों के साथ मुठभेड़। एक गो तस्कर के पैर में गोली लगने से हुआ घायल, दूसरे ने अंधेरे का फायदा उठाकर के भागने की कोशिश। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में कर रही है कॉम्बिंग। पकड़े गए तस्कर के पास से बाइक और तमंचा बरामद। घायल गौ तस्कर जिला अस्पताल में भर्ती। गोंडा के कर्नलगंज में खून से रतपत मिला महिला का शव। एसपी के साथ डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। घटना के कई खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। फतेहपुर के मलाका गांव में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। शराब पीकर दो बाइक सवारों ने गला रेत कर युवक की हत्या की थी। प्रेम प्रसंग बताई जा रही है वजह। 3 गिरफ्तार। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का दौरा जारी है। आज 4 जिलों में करेंगे शंखनाद, वाराणसी में भी करेंगे जनसभा। निकाय के लिए माहौल बनाने में जुटी सपा। अखिलेश यादव आज करेंगे चाय पर चर्चा। विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों के छात्र संघ पदाधिकारी शामिल होंगे। रामपुर में निकाय चुनाव प्रचार में विरोधियों पर जमकर बरसे आजम खान। सियासी पार्टियों को दिया चुनौती। हिंदुस्तान के 150 करोड़ में से अगर कोई रामपुर चुनाव जीत गया तो पूरा रामपुर कर देंगे खाली। प्रचार के दौरान अमर्यादित शब्दों का भी क्या प्रयोग। भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने साधा अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर निशाना कहा। इन लोगों ने कभी जनता का भला नहीं सोचा, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते। गोंडा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर। पार्टी कार्यालय में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ किया बैठक। गोंडा में 4 मई को होना है निकाय चुनाव। वाराणसी में काशी तेलुगु संगम कार्यक्रम। पीएम मोदी आज वर्चुअली करेंगे संबोधित। धार्मिक समागम गंगा पुष्कर अनु में शामिल होने पहुंचे हैं कई तीर्थयात्री। मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी पर आज फैसला। गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकता है फैसला। भाजपा विधायक किशोरनंद राय हत्याकांड में दर्ज है गैंगस्टर एक्ट। जोशीमठ राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। 3 मई को जोशीमठ के राहत पैकेज पर होगा फैसला। एनडीएमए और पीडीएनए की टीम ने जोशीमठ में किया था सर्वे। जंतर मंतर पर पहलवानों से मिली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। धरने पर बैठे पहलवानों को प्रियंका गांधी ने समर्थन किया। 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज रेस्लर्स। अभी भी धरना जारी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। नाबालिग रेस्लर से यौन शोषण के मामले में ब्रिजभूषण पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेस्लर्स ने की थी शिकायत। ब्रिजभूषण पर यौन शोषण के लगाए आरोप। रेस्लर्स ने सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की थी याचिका। खिलाड़ियों की ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग। कहा गिरफ्तारी तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। साक्षी मलिक ने कहा कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा वे उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं लेकिन खिलाड़ी अभी भी नहीं मानेंगे। गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्तिपीठ में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया। पूरे विधि विधान से सीएम ने महादेव की पूजा अर्चना की। मुरादाबाद में फैशन डिजाइनर मुस्कान नारंग का बेडरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है शव। स्वाइप से पहले एक वीडियो किया था वायरल। कहा लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने का देते थे ताने। शाहजहांपुर के खुटार की मेन मार्केट की दुकान में आग लग गई। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। हरदोई में खेत में लगी आग। खेत पर रखे 150 पाइप और सामान जलकर आग। किसी तरह ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा राज्य सहकारी बैंक में चोरों ने शटर का ताला तोड़ा। कैश ले जाने में नाकामिया। पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ नाराजगी। कटीमा से एमपी में ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 40 लाख की ठगी करने का आरोप यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा। मऊ अवैध असला फैक्ट्री चलाने वाले के यहां कुर्की। शबनम बानू का मकान गैंगस्टर एक्ट के तहत मकान की कीमत लगभग 56 लाख। मुरादाबाद में विदेश मंत्रालय में तैनात अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पत्नी ने ही दर्ज कराया है दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा। मचूरा थाना क्षेत्र की रहने वाली है पीड़िता। मुजफ्फरनगर मेरठ बॉर्डर पर कार से करीब 2 करोड़ 80 लाख कैश बरामद। 96 ग्राम सोना भी मिला। ब्यौरा नहीं देने पर कैश और सोना सहित कार जब्त। गोरखपुर में विधवा 10 बच्चों की मां को कुंवारे युवक से हुआ प्यार। मंदिर में कराई गई शादी। गुरुकुल पीजी कॉलेज में दिया गया और नौकरी और आवास।
किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत का बयान, महिला सुरक्षा से केंद्र और यूपी सरकार के वादे झूठे, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं। चंदौली में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया प्रचार, सभी बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की, कहा योगी जी के डर से लफंगे लुटेरे और पैसा वसूलने वाले नहीं रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।